एलिमेंट ऑफ कॉस्ट गिवन है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, और इन सब में, इन सारी कॉस्ट में कितना वेरिएबल कंपोनेंट है और कितना उनका फिक्स कंपोनेंट है वो गिवन है। अभी हमें इंडिविजुअली वेरिएबल और फिक्स नहीं चाहिए, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स कॉस्ट की टोटल कर लो कितनी फिक्स कॉस्ट हो गई, थ्री लैख 69,000 हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई है। वेरिएबल कॉस्ट देखो, 30% ऑफ COGS, 15% ऑफ COGS, 10% ऑफ COGS और यहाँ 2% ऑफ COGS। तो यहाँ तक की वेरिएबल कॉस्ट तो COGS पे कैलकुलेटेड है। टोटल COGS पे कितना परसेंट हो गया ये, 57% ऑफ COGS, और ये दिया है 4% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट ईयर 5,000 यूनिट्स वर सोल्ड एट 185 पर यूनिट, ब्रेक इवन, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सारी कैलकुलेशंस करनी है। सोचिए, ₹185 का सेलिंग प्राइस और 30% ऑन COGS। अब यहाँ पे COGS और कॉस्ट ऑफ सेल्स में कोई डिफरेंस, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर सबसे पहले मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्लस माइनस करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स का, तो COGS, जो कि यहाँ पे हम जीरो मान के चल रहे हैं। फिर उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया जाता है तो आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारे पास आती है सेल्स। फिफ्टी सेवन परसेंट कॉस्ट ऑफ COGS, मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को यदि 100 मान लूं यहां पे,
कॉस्ट ऑफ सेल्स को 100 मान लिया जाए, तो कॉस्ट जितनी भी हमारी कॉस्ट आ रही है वो 100 हो गई, उसमें 4% आपका, उस पे 4% आपका लगेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हटा दें तो बची हुई होती है COGS, उस COGS पे लगेगा आपका 57% का अदर वेरिएबल ओवरहेड। इसमें से यदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकाला जाए तो 100 मान के हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि रीज़न ये है कि साथ में हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी है। तो यदि मैं 100 रुपये मानता हूँ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को 100 रुपीज़ मानता हूँ, तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों इंक्लूड होता है, तो फिक्स कॉस्ट उसमें से निकालना है। बेसिकली यहाँ पे यूँ मान के चलिए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 57% कॉस्ट पे दिया हुआ है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो कॉस्ट पे कितना दिया है आपको? 60%। 4% का मतलब, 57% तो COGS का दिया हुआ है, लेकिन 4% दिया है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स से आते हैं, यदि कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 4% है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 4% तो सेल्स पे कितना होगा, उसको वहां पे कन्वर्ट करना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 4% का मतलब क्या हो गया? 4/100। 4/100 का मतलब 1/25। 4/100 का मतलब 1/25 ही होता है, 1/25, वन अपॉन 25 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट से यदि सेल्स पे जाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं, तो 1/26 ऑन सेल्स। सेल्स का 1/26 वो आपका होना चाहिए सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कॉस्ट ऑफ सेल्स को 100 रुपये माना मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल्स को 100 रुपये माना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैसे आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है इसका 4%, 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 4। कॉस्ट ऑफ सेल्स पे 4 रुपीज़, अब ये इक्वेशन आपको हमने पहले भी देखा है, कॉस्ट पे परसेंटेज दी होती है, सेल्स पे निकालनी है, सेल्स पे दिए और कॉस्ट पे निकालनी है, तो उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे हमें ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इस तरह से ले लो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 4% ऑन कॉस्ट, दैट इज 1/4/100, दैट इज 1/25। 1/25 ऑन कॉस्ट, एंड 1/25 ऑन कॉस्ट का मतलब हो गया सेल्स पे निकाल लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज मिसिंग है मेरे पास, तो बिना प्रॉफिट के परसेंटेज के मैं यहाँ पे उस पर नहीं जा सकता कि मैं सेल्स पे कैसे निकालूँ। 1/25 ऑन कॉस्ट, अब कॉस्ट कहाँ से लाएं जब तक प्रॉफिट ना हो मेरे पास? प्रॉफिट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन नहीं है, प्रॉफिट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? चलो एक मिनट रुकते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में लेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अभी। पहले 6 देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट और ऐड होंगे, वो अभी बताऊंगा, उसके बाद हो पाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 3,75,000 रुपीज, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की क्वांटिटी गिवन है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज मालूम है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मालूम है।
टोटल कॉस्ट और ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स मालूम, बाकी सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। सोच के बताओ यहां से क्या चीज आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हो। सेल्स यूनिट्स, बीपी कैसे, बीपी यूनिट, सेल्स यूनिट्स आ गई, टोटल सेल यूनिट्स कितनी हो गई हमारी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस बीपी यूनिट्स, टोटल सेल यूनिट्स आ गई। ये तो आ गई मेरे पास टोटल सेल्स यूनिट्स, और क्या निकल सकता है, कैसे, वेरी गुड, करेक्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आ सकती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी दिया है, और मैंने आपको एक ब्लॉक बना के दिया था कि ये हमेशा ध्यान रखना, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस इज इक्वल टू सेल्स। तो 3,75,000 रुपए का सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, 15,000 यूनिट का सेल्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो हमसे सेलिंग प्राइस मिल गया 3,75,000 डिवाइडेड बाय 15,000, 25 रुपीज पर यूनिट, 25 रुपीज पर यूनिट आपको क्या मिल गई, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस 25 रुपीज पर यूनिट आ गया, टोटल कॉस्ट दी हुई है, अब और सोचो क्या निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हाँ, सेल्स आ गई आपके पास, टोटल टोटल सेल्स कितनी है हमारी, 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25 रुपीज, टोटल सेल्स आ गई 5,00,000 रुपीज, और टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट 3,87,500 माइनस कर दो, प्रॉफिट आ गया 1,12,500। यहां तक आराम से सोच लीजिए, पहले क्लियर है पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दोनों अवेलेबल है, उन दोनों से हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस 25 रुपीज पर यूनिट, इन टोटल हम टोटल 20,000 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो 20,000 यूनिट हमारी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल सेल्स वैल्यू आ गई 5,00,000, टोटल कॉस्ट गिवेन है, टोटल सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट आ गया। अब प्रॉफिट आपके पास है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास है, इन दोनों इंफॉर्मेशन से एक चीज और कैलकुलेट हो सकती है, पीवी रेशो, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको पूरा लिख के कर लो, मिसिंग का अच्छा क्वेश्चन है, एमएस यूनिट्स, बीपी यूनिट्स, टोटल सेल्स यूनिट्स, सेलिंग प्राइस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, ₹25 पर यूनिट, टोटल सेल्स 20,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25, 5,00,000 रुपीज, लेस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, सो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो विल बी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय 100,
30%। पीवी रेशो आ गया 30%। चलिए इनको क्या क्या चाहिए था, सेलिंग प्राइस मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, पीवी रेशो मिल गया, फिक्स कॉस्ट एंड बीईपी, बीईपी आ गया, बीईपी यूनिट्स गिवन है और बीईपी का यूनिट्स गिवन है सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, बीपी यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीपी इन रुपीस आ गया 1,25,000। और यदि बीपी की सेल्स को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो क्या आता है, फिक्स कॉस्ट, बीपी इंटू पीवी रेशो इज फिक्स कॉस्ट। सारी कैलकुलेशन सा लिंक करना है, बस इंफॉर्मेशन को लिंक करना है। इजी क्वेश्चन है, बताइए पीवी रेशियो 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, कंपनी सोल्ड 500 यूनिट फॉर रुपीज 5 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचिएगा फटाफट। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, बताइए बताइए बताइए।
बीपी तो एक लाइन में आ गया होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, तो बीपी किसका 60% टोटल सेल्स का, बीपी हो गया 5 लाख का 60%, 3 लाख सेल्स इन यूनिट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, सेल्स इन यूनिट टू अर्न अ 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स, सेल्स पे 10% प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए। आइए बीपी 60% ऑफ सेल्स, सेलिंग प्राइस 5 लाख रुपए का सेल्स है, 500 यूनिट बेचा है, 1,000 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस। वन थाउजेंड पर यूनिट सेलिंग प्राइस, हमें बताना है सेल्स कितनी करनी है यदि हम 10% सेल्स पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो, सेल्स पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कितनी सेल्स करें, उसके लिए मुझे पहले चाहिएगी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट होता है बीपी मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशो, बीपी को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करते हो तो फिक्स कॉस्ट आती है 1,50,000। बीपी को फिक्स कॉस्ट से, बीपी को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिक्स कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट आ गया 1,50,000। कर चुके हैं तो ये बेसिक चीज तो कई बार। अब सेल्स निकालना है ना, सेल्स या तो रुपीस में निकाल लो या यूनिट्स में निकाल लो, मांगा इन्होंने यूनिट्स में, तो आप रुपीस में भी निकालोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी वो तो बाद में, और आप डायरेक्टली यूनिट में भी निकाल सकते हो। पहले तो चाहिए कितना प्रॉफिट, 10% ऑन सेल्स, लेट सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट इज एक्स, तो सेल्स हो गया 1,000x, एज द सेलिंग प्राइस इज 1,000 रुपी, यदि हम एक्स यूनिट सेल कर रहे हैं, हमने अज्यूम कर लिया लेट सेल्स यूनिट इज एक्स, यदि हम एक्स यूनिट सेल कर रहे हैं तो हमारी टोटल सेल्स कितनी होगी, 1,000x, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1,000 रुपये है, सेलिंग प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेल्स आ जाएगा, तो सेल्स हो गया 1,000x। इस 1,000x की सेल पे कितना प्रॉफिट चाहिए, 10%, तो प्रॉफिट आ गया आपका 100x। 1,000x की सेल्स पे 10% प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट बिकम 100x। सेल्स कैलकुलेट करने का हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, लेकिन पीवी रेशो से डिवाइड करोगे तो सेल्स आएगी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो यूनिट्स आएंगी। ये तो पता ही है हमें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यूनिट का रिलेशन है और परसेंटेज का सेल्स के साथ रिलेशन है, आप पीवी रेशियो से डिवाइड करके भी कर सकते हो, या तो आप ये यूज करो या आप यूज करो सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे सेल्स किस में है और यहां पे सेल्स रुपीज में, मैं रुपीज वाला चलो यूज करके बताता हूँ, सेल्स इन रुपीज कितनी है 1,000x, फिक्स कॉस्ट 1,50,000,
प्रॉफिट 100x, पीवी रेशो 50% यानी 0.5।375 यूनिट्स आर नीडेड टू सेल इन ऑर्डर टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। यहां पे आओ वापस और इसे आराम से देखो। प्रॉफिट चाहिए 10% ऑन सेल्स, मैंने सेल्स यूनिट्स को एक्स माना है। प्रॉफिट यूनिट्स पे नहीं सेल्स पे होता है, तो सेल्स निकाल दी, सेल्स हो गया 1000x, नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। 1000 रुपये का सेलिंग प्राइस है और एक्स यूनिट हम सेल कर रहे हैं, तो हमारी सेल्स हो गई 1000x। अब इस 1000x की सेल्स पे 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ गया 100x। प्रॉफिट आपके पास है, फिक्स कॉस्ट आपके पास है, पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो भी आपके पास है। डायरेक्टली यूनिट से करते तो सर कैसे होता, तो यूनिट से करके बताता हूं। सेल्स यूनिट कितना माना था, एक्स, सेल्स यूनिट एक्स माना था, फिक्स कॉस्ट 1 लाख, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना है कंट्रीब्यूशन, 500 रुपीज। कैसे आया, सेलिंग प्राइस आई थी आपकी कितनी, 1000। सेलिंग प्राइस को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 50% का कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो है, पीवी रेशो का मतलब परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। सेल्स 1000 रुपए ले रहा हूं तो एक यूनिट की सेल ले रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन भी एक यूनिट का आएगा, पूरी सेल ले रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन भी पूरा आएगा। 1000 की सेलिंग प्राइस पे 50% पीवी रेशो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 1000 × 50% यानी 500। वापिस वहीं पहुंच गए, ये वापिस यहीं आ गए। कैलकुलेशन कहीं से भी लाओ रिजल्ट सेम आएगा, बट ब्रीवेशंस को प्रॉपरली यूज करना है, चीजों को प्रॉपरली रखना है। कि सेल्स को एक्स नहीं मान ले, यदि आप सेल्स को एक्स मानोगे तो क्या होगा, मैंने तो यहां सेल्स यूनिट को एक्स माना, यदि सेल्स को एक्स मान लेते तो, सेल्स को एक्स मानते तो प्रॉफिट 0.5 या 0.1x होता, तो हर जगह 100 से डिवाइड हो जाता, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, रिजल्ट उससे भी आएगा। लेकिन जो अल्टीमेटली आपको कैलकुलेट करने के बोला गया है उसी को एक्स मानो, प्रॉफिट यूनिट्स पे नहीं सेल्स पे निकलता है। मैंने यूनिट्स को एक्स माना तो सेल्स निकाला 1000x, मैं पूरी सेल्स को एक्स मानता तो प्रॉफिट किस पे निकालता, एक्स पे, क्योंकि एक्स इज सेल्स, सेल्स का 10% निकालना पड़ता। ओके, एक और बेसिक पे क्वेश्चन, सेल्स मटेरियल कंज्यूम्ड, वेरिएबल ओवरहेड, लेबर चार्जेस, फिक्स्ड ओवरहेड। तो ये तीनों तो हो गई आपकी वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल लेबर हमेशा वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई आपकी 12 लाख, 14 लाख,
और फिक्स कॉस्ट मान लो मैं 360, प्रॉफिट भी है, क्या चाहते हो भाई? फिर सेल्स यूनिट्स भी हैं, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है। अभी सेलिंग प्राइस दिया है, सेल्स यूनिट्स दिया है, कोई मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता पाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फोर्टीन लैख डिवाइडेड बाय 80,000, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? ये आ गया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये आ गया तो पीवी रेशो भी आ जाएगा 7.5। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100, 30%। अब यार अब जो इसको चाहिए वो निकाल के दे दो, मेरे पास सब कुछ। पर यूनिट सेलिंग प्राइस भी है, सेल्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी है, पीवी रेशो भी है, क्या चाहिए इसको? इसको बीपी यूनिट्स में चाहिए। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसको सेल्स चाहिए इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। बताओ ये वाला पॉइंट, सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। क्या कैलकुलेट करने को बोला? सेल्स, लेट
देन प्रॉफिट विल बी ट्वेंटी है क्या? ओके मैंने टेन से कर दिया यहाँ पे, एक मिनट बेटा। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, क्योंकि एक्स को आपने क्या माना है, सेल्स यूनिट्स नहीं निकाल रहे हो आप। यहाँ पे इसने सेल्स पूछा है तो मैं सेल्स को एक्स मान रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में इसने सेल्स यूनिट पूछा था तो मैंने सेल्स यूनिट को एक्स माना था। अभी सेल्स ही पूछा है तो सीधा सेल्स का फॉर्मूला पीवी रेशो वाला लगाते, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, तो इट इज 0.3x ₹36 लाख। यूज धीरे धीरे आएगा, अभी हम आई हैव 45-50 क्वेश्चंस हियर टू डू। अभी तो हम 8th क्वेश्चन पे पहुंचे। मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि फॉर्मूले पढ़ के हम अपने आप को ही नहीं समझते कि हमें क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे ना उतना ही आप मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर घुसते जाओगे, तब कंफर्टेबल फील करने लगो। फॉर्मूले आ गए, क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्वेश्चंस करने लगे और आ नहीं रहे हैं, हो सकता है फॉर्मूले की एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले तो क्या है, लिख दिया ना मैंने वहाँ गिन के सारे फॉर्मूले, लिस्ट बना दिया, कब कैसे किस चीज़ को यूज़ करना है, वो कॉन्फिडेंस आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने के बाद ही आएगा। नई चीज़ है दिमाग में, जब तक उस डायरेक्शन में दिमाग सोचना नहीं शुरू कर देता है तब तक ये क्रैक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड, क्वेश्चन की लैंग्वेज एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड टू ऑप्टेन प्रेजेंट प्रॉफिट इफ इट इज प्रपोज टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 20%। क्या कहना चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, कितनी यूनिट सेल करेंगे, कितनी एक्स्ट्रा यूनिट सेल करें। तो पहले तो कितनी यूनिट सेल करेंगे वो निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा अपने आप निकल जाएगी। करेक्ट, क्या बोल रहा है सर, हमारे पास एक प्रपोजल है कि हमें 20% सेलिंग प्राइस रिड्यूस कर देनी चाहिए, और यदि हम 20% सेलिंग प्राइस रिड्यूस करने का प्रपोजल आया कि 20% सेलिंग प्राइस कम कर देंगे तो माल ज्यादा बिकेगा। वो कह रहा है भाई प्रॉफिट तो उतना ही चाहिए जितना पहले आ रहा था, तो अब बताओ इस प्रपोजल में 20% यदि सेलिंग प्राइस कम कर दूं तो वही प्रॉफिट कमाने के लिए कितना ज्यादा बेचना पड़ेगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं वही प्रॉफिट जो पहले मिल रहा था वो कितनी यूनिट्स पे कमा पाएंगे, कितनी यूनिट्स पे अर्न होगा यदि सेलिंग प्राइस को 20% रिड्यूस कर दिया जाए। क्या निकालना है, सेल्स यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स निकालना है तो हम ये यूज कर सकते हैं ना इसका, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसमें सेलिंग प्राइस नई आ गई है आपके पास, अब न्यू सेलिंग प्राइस, पहले कितनी थी, इसमें क्या कम कर रहे हो, 20% फॉल करोगे तो नई सेलिंग प्राइस आ गई। लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी पहले, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 17.5, विल इट चेंज, विल इट चेंज, इट विल नॉट चेंज, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया आपका 2.5 रुपीज। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज बोल रहा है, नो। प्रॉफिट भी इसको पुराना वाला ही चाहिए, फिक्स कॉस्ट भी पुरानी वाली रहेगी, 360 एंड 240। 360 का फिक्स कॉस्ट, 240 का प्रॉफिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2.5। टू लैख 40,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे इसको, वही पुराना प्रॉफिट रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस पे कमाने के लिए। पहले कितनी बेच रहा था, पहले सिर्फ 80,000 यूनिट बेच रहा था और उसको ये 2,40,000 का प्रॉफिट आ रहा था। सेलिंग प्राइस 20% कम करने का ऑफर आया, तो यही पुराना प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 2,40,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। हाउ मच एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ही हैज टू सेल 1,60,000 एक्स्ट्रा यूनिट टू गेट द सेम प्रॉफिट। आप अपने लेवल पे अभी वापिस समझो इसको, आराम से सोचो क्या हुआ है। आया सेलिंग प्राइस तो कम हो गया, लेकिन प्राइस कम हुआ था तो वेरिएबल कॉस्ट में कोई भी चेंज, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही रहा, कंट्रीब्यूशन चेंज होगा ही होगा क्योंकि हमने बात किया था सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ छेड़छाड़ करोगे तो कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। ये हमारा फिक्स कॉस्ट, ये हमारा डिज़ायर प्रॉफिट, और ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ गई यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न दिस डिज़ायर प्रॉफिट। एक और इसने चॉइस दिया है 25% का भी, सेम तरीके से करना है, 25% सेलिंग प्राइस कम करके। सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग डाउन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू 10,000 यूनिट अंडर प्रेजेंट कंडीशन। ये प्रेजेंट कंडीशन, इसमें ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कहाँ फिक्स की जाए ताकि बीपी 10,000 यूनिट्स पे आ जाए। बीपी निकाला था पहले हमने, पहले वाले पॉइंट में कितना बीपी था, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इतना ज्यादा बीपी था, 48,000 पे था बीपी हमारा पहले। ये कह रहा है कि बीपी को 10,000 ले आओ सर, 48,000 बहुत ज्यादा है। 10,000 ब्रिंग डाउन इट्स बीपी
10,000, 10,000 तक डाउन, बीपी को 10,000 तक डाउन ले आओ। बोले सर बीपी डाउन कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। कितनी बढ़ाएं? बोले नई सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके बताओ, क्या सेलिंग प्राइस रखें ताकि बीपी कहाँ आ जाए, 10,000 यूनिट्स पे आ जाए। समझ में आया क्वेश्चन? बीपी को पहले जो 48,000 था उसे नीचे लेके आना है, कहाँ लेके आना है, 10,000 यूनिट्स पे लेके आना है। बीपी कम होता है सेलिंग प्राइस बढ़ाने से, तो ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस नहीं फिक्स कर दो सर, बताओ क्या फिक्स करें ताकि बीपी आ जाए 10,000 यूनिट। बोले कोई बात नहीं जी, बीपी बीपी 10,000 यूनिट्स पे लेके आना है, लाओ बीपी को 10,000 यूनिट्स पे। बीपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स में चाहिए ना। इट कैन बी रिटन एज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लिख सकते हैं इसको ऐसा। बीपी कितना रखना है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, सेलिंग प्राइस यही तो मालूम करना है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 17.5। कोई नहीं जी, हो जाता है, हो जाता है। सेलिंग प्राइस को एक्स मान लेता हूँ, बता दो एक्स की वैल्यू, खत्म। कैसे करते हो आप इनको सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई करके? मजाक मत किया करो, 4 जीरो से 4 जीरो इधर से उधर उड़ा दो। एक्स सीधा सीधा आ गया, 36 प्लस 17.5, 53.5। यानी हम सेलिंग प्राइस को 53.5 रुपीज कर देते हैं तो बीपी 10,000 यूनिट पे मिल जाएगा। क्या ख्याल है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। कंपनी सोल्ड 2,75,000 यूनिट्स एंड प्रोड्यूस्ड एट इट्स प्रोडक्ट एट 37.5, 37.5 रुपीज पर यूनिट की रेट पे 2,75,000 यूनिट्स सेल किए गए। वेरिएबल कॉस्ट आर 17.5 पर यूनिट, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 14 है, सेलिंग कॉस्ट 3.5 पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट इनकर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर अमाउंटेड टू 35 लाख रुपीज, जिसमें 15 लाख रुपीज का डिप्रिसिएशन है। देर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। सर होता तो आएंगे, वो पार्ट भी है जहाँ स्टॉक भी आएगा हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन अभी नहीं, अभी बेसिक्स ही चल रहा है भाई, बिल्कुल बेसिक्स ही चल रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मालूम है, फिक्स कॉस्ट मालूम चल गया। एस्टिमेटेड ब्रेक इवन क्वांटिटी नहीं बताऊंगा, निकाल लोगे यार। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलो वर्बली पटापट। 37.5 की सेलिंग प्राइस 17 रुपए 50 पैसे का वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन
₹20। फिक्स कॉस्ट 35 लाख, 1,75,000 यूनिट, कैलकुलेटर पे निकल रहा है। इसका सेकंड पार्ट पूछा कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट में कैश एक्सपेंसेस के साथ, कैश फिक्स कॉस्ट के साथ जाते हैं, नॉन कैश हटा देते, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो वही रहेगा, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट में से ये 15 लाख रुपए माइनस हो जाएंगे। कैश फिक्स्ड कॉस्ट इज 20 लाख। कैश ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब सर बोलना चाह रहा है नॉन कैश खर्चों को मत जोड़ो भाई, कैश एक्सपेंसेस को निकालना है मुझे। तो पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन भी है, सेल्स भी है, पीवी रेशो में क्या मजाक करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय क्या, कितना है बताओ। पीवी रेशो बताओ उसका जल्दी से, सभी बोलने का नहीं, मैं पूछूंगा। पीवी रेशो निकालो इसका जल्दी से सभी। हाँ भाई कितना, इतना क्या कर रहे हो, पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी यहां से निकाला था ₹20, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस गिवन है 37.5, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 17.5, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया ₹20 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, थर्ड पॉइंट बोल रहा है सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 250। प्रॉफिट दे रखा है कितना कमाना है, कितनी सेल्स करनी है, तो सीधा क्वेश्चन हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से यूनिट आएगी, पीवी रेशो से करोगे तो सेल्स आएगी। अगला पॉइंट, सेल्स लेवल टू अचीव एन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। टैक्स देने के बाद मेरे को 2,50,000 का प्रॉफिट बचना चाहिए और टैक्स 40% देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है अपना, सिंपल तरीका टैक्स वैक्स कुछ नहीं सर, आफ्टर टैक्स की बात मत करो, बिफोर टैक्स की बात करो। बिफोर टैक्स कितना प्रॉफिट चाहिए, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट को बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर दे। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स में कम कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड होता है, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दिया बिफोर टैक्स प्रॉफिट। ₹4,16,667 का प्रॉफिट चाहिए मुझे बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट के लिए सेल्स बतानी है,
बता दोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशो। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सप्लेन पूरा हो ही गया है? ओके, सो ये कॉन्सेप्ट डिस्कशन था हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग पे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कशन। सारे फॉर्मूलाज हमने लिखे, उन फॉर्मूलाज की पूरी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे है, जिसमें मैं एक फॉर्मूला और ऐड कर देता हूँ। अभी अभी आया याद हमें, कैश ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट माइनस नॉन कैश, या फिर मैं सीधा सीधा लिखता हूँ ना यार, कैश फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। चलिए, क्या ख्याल है बेसिक्स पे अभी तक? इन क्वेश्चंस को आपको वापस रिवाइज करना रहेगा, तो सेल्फ वापस बैठ के करेंगे ना, तभी डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा।